दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द अपकमिंग पल्सर RS 200 की न्यू जनरेशन के बारे में, कौन कौन सा नया फीचर्स आने वाला है इस बाइक में, इसको लेके आज बात करेंगे गाइस इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटी सी इंट्रो को प्ले करके। दोस्तों पल्सर RS 200 के लिए ना बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं मेरे चैनल में, बहुत ही ज्यादा क्रेज है RS 200 के इंडियन मार्केट में। तो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि भाई वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। भाई आसाम में ना बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हैवी रेनफॉल की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है, लोगों के घर टूट रहा है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। इंटरनेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कई सारे लोग भूखे सो रहे हैं, रहने के लिए छत नहीं है, लगाने के लिए कपड़े नहीं है। इसके चलते गाइस आप आसाम के लिए 1 रुपया भी डोनेट करना चाहते हो ना तो डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल्स दिया गया है, वहाँ पे आज जाके आप 1 रुपया डोनेट कर सकते हो जो जाएगा वो बेघरों के पास और आसाम केयर फंड के पास। और दोस्तों इस वीडियो का सारा रेवेन्यू आसाम केयर फंड को दिया जाएगा। द अपकमिंग पल्सर RS 200 एक न्यू लुक और न्यू डिजाइन और एक मस्कुलर लुक के साथ आएगा और इसमें हमको काफी सारे न्यू चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। RS 200 का जो स्प्लिट सीट है ना वो सेम ही रहेगा, वहाँ पे चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो सीट राइडर को बहुत ही ज्यादा कम्फर्टेबल फील कराता है। तो अपकमिंग न्यू जनरेशन वाला RS 200 का थोड़ा सा फेयरिंग डिजाइन चेंज होने वाला है, लाइक मस्कुलर लुक के साथ आएगा ये बाइक फिर इंडियन मार्केट में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, गियर इंडिकेटर्स भी वहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे लगभग आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलने वाले हैं पल्सर RS 200 पे। मुझे अभी भी थोड़ी सी डाउट है इस बाइक की मीटर को लेके, यहाँ पे N250 और F250 की तरह ही मीटर देखने को मिल सकता है इन्फिनिटी डिस्प्ले वाला, क्या ये पॉसिबल है, यस और नो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस बाइक की टायर की साइज को भी बढ़ा दिया गया है। फ्रंट टायर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 110 का टायर मिलने वाला है और रेयर की बात करें तो 140 का टायर मिलेगा आपको इस बाइक में। और इस बाइक में आपको क्विक शिफ्टर मिल सकता है और यहाँ पे डुअल चैनल एबीएस तो देता है पहले से, और अभी इस बाइक में आपको कॉर्नरिंग एबीएस देखने को मिल सकता है। इंजन और पावर अगड़े की बात करें तो इस बाइक में आपको सेम इंजन पावर देखने को मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं है इंजन में। द अपकमिंग पल्सर RS 200 की प्राइसिंग की बात करें तो लगभग आपको 220 गिरने वाला है इंडियन रोड्स पे। लॉन्चिंग की बात करें तो ये बाइक लॉन्च होगा इंडियन मार्केट में फेस्टिवल सीजन में, दिस ईयर तो होप मत करो, 2023 में आएगा ये बाइक इंडियन मार्केट में। तो मैंने वीडियो को लेंदी नहीं बनाया, ज्यादा नहीं खींचा, बेफजूल में आपका टाइम वेस्ट करा के कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो को शॉर्ट बनाया और इन्फॉर्मेटिव बनाया। मैं आशा करता हूँ कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जैसे कि मैंने बता दिया इस वीडियो का रेवेन्यू आसाम केयर फंड के तरफ जाएगा। और डोनेट करना चाहते हो तो आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे बैंक डिटेल्स दिया गया है, आप 1 रुपया भी डोनेट कर सकते हो आसाम के लोगों के लिए। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे हम मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। আজির চাই দেখি নাপাওঁ যদিও হ'বনে তোমাৰে নাম কয়, তোমাৰো আজৰে খুজিব নোৱাৰো।